वेलकम बैक माय फ्रेंड्स, दिवस शेष में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ कुशल मंगल होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के शेविंग सेशन की शुरुआत की जाए, जिसमें मैं लेके आया हूं एक नया शेविंग सोप फ्रॉम द हाउस ऑफ एरियाना एंड इवंस। सो लेट मी शो द सोप फर्स्ट। सो यू कैन सी एशियन पेयर एंड दिस इज हाउ द सोप लुक्स, डार्क ब्राउन कलर एंड इट्स अ सॉफ्ट सोप, आई कैन से दैट। तो एक बार मैं इसका इस्तेमाल कर चुका हूं, जैसे ही मैंने ये प्रोक्योर किया मैं अपने को रोक नहीं पाया। और फ्रेग्रेंस की अगर मैं बात करूं, इट हैज सुपर्ब नोट्स ऑफकोर्स पेयर। तो पेयर के नोट्स बड़े प्रोमिनेंट है, बट एज पर कंपनी इट हैज मिक्स्ड नोट्स ऑफ ड्राइड फ्रूट, सैंडलवुड, टोंका बीन्स, इवन टोबैको। मगर सही बताऊं, फ्रेग्रेंस के मामले में मैं इतना जानकार नहीं हूं, तो मेरे को तो केवल इसमें नाशपाती की ही खुशबू आ रही है, और जो भी आ रही है बड़ी जबरदस्त आ रही है। सो दिस इज हाउ इट लुक्स एंड दिस इज द ब्यूटिफुल आर्टवर्क। सो एरियाना इवंस जो है, ये जो है आर्टिजन सोप मेकर है फ्रॉम अमेरिका, पीटर चक्रेलिस, जिनके बारे में पहले भी बता चुका हूं अपने किसी प्रीवियस शेविंग सेशन में। तो बड़ी मेहनत करते हैं और काफी अच्छा इनका परफॉर्मेंस होता है इनके बेसिस का। ये जो बेस है काइजन 2E बेस है और बहुत बढ़िया लादर क्रिएट करता है। तो अब इसके बारे में मैं अपने एक्सपीरियंस अभी शेयर करता हूं, मगर जितना भी मेरा अभी तक अनुभव रहा है एरियाना इवंस सोप के साथ, मैंने देखा है कि इनकी फ्रेग्रेंस थोड़ी सी तेज होती है, थोड़ा ओवरवेलम कर जाती है। और अगर आपको बहुत तेज फ्रेग्रेंस नहीं पसंद है, तो कभी कभी जो है आपको जो है इनके सोप शायद ना भी पसंद आए। और एक चीज और है कि इफ यू आर अ वेगन देन दिस सोप इज नॉट फॉर यू, क्योंकि इसमें टैलो का यूज किया गया है। तो व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स, मैं इतना याद तो नहीं कर सकता, तो मैं फिर भी आपको बता देता हूं, लिख के लेके आया हूं। सो दिस इज काइजन 2E बेस एंड इट हैज टैलो, गोट मिल्क, कोकम बटर एंड कैस्टर ऑयल। तो ओवरऑल जो है मेरे को जो है इनकी स्मेल अच्छी लगती है, बट पर्सनली अगर देखा जाए तो आई प्रेफर लाइटर माइल्डर फ्रेग्रेंसेस। बट यस, एक चीज मैंने देखी है कि परफॉर्मेंस के मामले में टॉप नॉच। For lather making, I am going to use Trigodon synthetic brush. इसको मैं इसमें डिप कर देता हूँ, हल्का सा, बहुत हल्का सा lukewarm water. And today my tool is Solo Edge by Parker, and it is loaded with Parker blade. Squeezing out all the extra water from the brush. तो इस तरह के 30-40 स्वर्ल्स काफी हैं। दैट्स इनफ एंड चलिए लेट्स क्रिएट द लादर। और आज की जो बियर्ड है मेरी, ये ऑलमोस्ट 4 दिन पुरानी है। फ्रेग्रेंस इज ऑन द स्वीटर साइड, एक मिठास है इस फ्रेग्रेंस में।
तो जो टेलो यूज किया जाता है इट प्रोवाइड्स दैट फैंटास्टिक स्लिकनेस टू द लादर. So rich, creamy lather. चलिए अब शेव की शुरुआत करते हैं. पाक सोलो एच एंड लोडेड विथ पाक ब्लेड. फर्स्ट पास एज यूजुअल विथ द ग्रेन. एक्सेप्शनल लेवल ऑफ स्लिकनेस, बहुत ही शानदार स्लिकनेस इस सोप की और आई शुड से इस बेस की है. और थोड़ा सा कैमरा मैंने नीचे किया है और हल्का सा एंगल भी चेंज किया है, तो आपको अगर फर्क पता लगे तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप मेरे को. तो एरियाना एवेंस के जो सोप्स हैं और इनके और भी जो शेविंग प्रोडक्ट्स हैं जैसे आफ्टर शेव या स्प्लैश, ये जो है अगर आप चाहो तो आप भी प्रोक्योर कर सकते हो और मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा. तो अमित कलांबे साहब जो हैं वो हम वेडशोर्स की काफ़ी मदद कर रहे हैं काफ़ी टाइम से. तो उन्हीं से ये जो सोप है मैंने हाल ही में प्रोक्योर किया. तो अगर आपको भी इस तरह के शेविंग प्रोडक्ट्स चाहिए तो मैं उनका मोबाइल नंबर शेयर कर दूंगा, यू कैन कॉन्टेक्ट हिम डायरेक्टली. तो लाजवाब स्लिकनेस. सो रेसिडुअल स्लिकनेस जो है इस सोप की बहुत ही शानदार है.
चलिए सेकंड पास अक्रॉस द ग्रेन. Neck area, I always go against the grain. तो टेलो की वजह से ये एक सुपर्ब स्लिकनेस आपको मिलती है, बट यस as it has animal fat for those of you who are vegans then this soap is not for you. दोस्तों मेरी एक आपकी आपको सलाह है कि इफ यू हैव सेंसिटिव स्किन तो जब भी आप इस तरह के शेविंग प्रोडक्ट्स यूज करें तो एक पैच टेस्ट कर लीजिए. तो यू कैन अप्लाई अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट, करेक्ट, आप यहाँ लगा सकते हो, यहाँ लगा सकते हो, और थोड़ी देर आप रुकिए और फिर देखिए क्या वो आपकी स्किन के साथ कोई रिएक्शन तो नहीं कर रहा है, और अगर कर रहा है कुछ आपको रेडिश या थोड़ा इरिटेशन फील कर रहा है तो don't use that product or stop immediately continuing using that product. इतनी ज्यादा स्लिकनेस है इसमें कि अगर मैं अभी फिर से रेजर चलाऊं तो शायद मेरे को सोप लगाने की जरूरत ना पड़े, मगर ऐसा आइडियली करना नहीं चाहिए. जहां भी आपको थोड़ा सा भी अगर आपको टॉपअप भी करना है, टॉपअप कह रहा हूँ कि जहां पे आपको हल्का सा टचअप करना है तो वहां पे आप हमेशा सोप लगाइए और उसके बाद रिजल्ट चलाइए. सो टू पासेस आर इनफ, सो लेट मी वॉश माई फेस. सो अप्लाइंग द एलम ऑलमोस्ट no irritation. Butter smooth shave I should say. तो दोस्तों इसका after shave splash भी आता है but that is not available right now. So I'm going to use Marks and Spencer Wood Spice Burgundy Aftershave Balm. So ये भी जो है balm डिसकंटिन्यू हो चुका है, बट मार्क्स एंड स्पेंसर्स के नए बाम आ गए हैं मार्केट में विच यू कैन ट्राई, बट दिस बाम इज नाउ डिसकंटिन्यू. सो वंडरफुल शेव and lovely soap as usual. I enjoy whenever I
शिव आई एंजॉय यूजिंग एरियना एंड इवल्स प्रोडक्ट्स। तो जल्दी से मैं रिकैप्चर करूं। सो एशियन पेयर एरियना इवल्स शेविंग सोप ऑलमोस्ट 5 out of 5 व्हेन इट कम्स टू स्लिकनेस लादर एंड दैट यू नो ऑलमोस्ट जिसे कहते हैं कि जो मॉइस्चराइज फीलिंग होती है इसकी मैं काफी यूज कर चुका हूँ, इसलिए कई बार तो ऐसा भी लगता है कि आपको पोस्ट शेव बाम और ये सब लगाने की जरूरत ही नहीं है, वो ऑलरेडी आपकी स्किन को इतना मॉइस्चराइज कर देती है। फ्रेग्रेंस के मामले में यस, मेरे को अभी भी मैं कहूँगा कि ये थोड़े से तेज लगते हैं इनके सोप्स। सो वंडरफुल प्रोडक्ट। सो अगर आप इनको प्रोक्योर करना चाहते हैं तो मैं डेफिनेटली अमित कलांबे जी का नंबर जो है, जो कि glowshine.com के प्रोपराइटर भी हैं, उनका नंबर मैं डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उनको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल फैंटास्टिक सोप। सो इट्स बीन ऑलमोस्ट 3 months, आई एम एंजॉइंग ईच शेव एवरी शेव विथ दिस सोलो एच रेजर। हैट्स ऑफ टू यू पाकर। इस शेविंग ब्रश का अगर जो हैंडल है वो थोड़ा स्टाउट होता और इतना स्लेंडर ना होता तो ये बहुत ही अच्छा जो है शेविंग ब्रश हो सकता था। इसके ब्रिसल्स अल्ट्रा सॉफ्ट हैं, वो लग्जरी वाली फीलिंग देते हैं, बट समहाउ व्हेन इट कम्स टू ग्रिपिंग तो ये फिसलता है और उस तरह से मजा नहीं आता, बट ओवरऑल अच्छा ब्रश है। एंड मार्क्स एंड स्पेंसर वुड स्पाइस बर्गंडी आफ्टर शेव ऑलमोस्ट वेरी 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 माइल्ड स्मेल बट इट गिव्स परफेक्ट नरिशमेंट एज वेल एज दैट पोस्ट शेव फीलिंग टू योर शेव। इनफैक्ट इट इन्हांसेस योर पोस्ट शेव एक्सपीरियंस। सो दोस्तों ये था आज का हमारा शेविंग सेशन, आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर करिए, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता है आपको भी, और अपने कमेंट्स जरूर लिखिए इफ यू रियली वॉन्ट टू पुट योर थॉट्स मेरी शेविंग के बारे में, और अगर आपके शेविंग मित्र हैं आपके फ्रेंड्स हैं तो आप उनको शेयर भी कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल आई वॉन्ट टू से, तब तक के लिए एज यूजुअल प्लीज टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स फैमिली। मिलते हैं जल्दी से, टाटा बाय बाय, जय हिंद।